हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं लखनऊ में। ये वाला व्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें मैं शो करने वाली हूँ लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, मरीन ड्राइव एंड द फेमस पलाशियो मॉल। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दिस वाज जस्ट अ वन डे ट्रिप टू लखनऊ। अब स्टार्ट करते हैं हम लखनऊ की मॉर्निंग से। मॉर्निंग में रेडी होकर आज हम निकल गए थे मरीन ड्राइव देखने के लिए। तो पहले हमने मरीन ड्राइव को एक्सप्लोर किया। ये देखिए लखनऊ की रोड्स कितनी ज्यादा वाइड एंड ओपन है। बेसिकली लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है और यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। एंड यहाँ का एक फेमस कोट है, दैट इज मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। चलिए तो मुस्कुराते हुए हम भी आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लखनऊ की दो तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो यहाँ के मॉन्यूमेंट, सेकंड यहाँ की एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी कुर्ताज, यहाँ का स्ट्रीट फूड एंड यहाँ के लोग, क्योंकि लोगों से ही जगह ज़्यादा स्पेशल बनती है। एंड अगर आप यहाँ के लोगों से आके बात करेंगे, वो इतनी तमीज़ और तहजीब में आपसे बात करेंगे जो आपको दिल्ली NCR में तो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। सो ये है हमारा मरीन ड्राइव, सबसे फर्स्ट लोकेशन। इसके साइड में यहाँ पर ये आप अम्बेडकर पार्क देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हम तो ये आपको डे के टाइम का व्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो हम रात को यहाँ पर वापस आ पाते। बट यहाँ का नाइट व्यू सुना है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और ये आप लाइट्स देख सकते हो एक साइड में, कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। ये वाली जगह तो एक्चुअल में रात को ही घूमने वाली है, इसको मरीन ड्राइव लेन बोलते हैं। देन फिर आप ये एक बड़े से गेट से निकल कर जाएंगे एंड यहाँ पर आप बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस पार्क यहाँ पे हाथी पार्क को ही बोला जाता है। नेक्स्ट में अगर हम किसी की बात करें तो वो जनेश्वर मिश्र पार्क है। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैंने ट्रेवल किया था लखनऊ में, तब मैंने वो वाला पार्क देखा था, इसलिए हम लोग इस बार उस पार्क में नहीं जाने वाले। आइए इसके बाद मैं आपको सेकेंड प्लेस दिखाती हूँ यहाँ की, जिसको देखने के बाद आपके भी मेरी तरह बिल्कुल होश ही उड़ जाने वाले हैं। नाउ द वेट इज ओवर। ये देखिए यहाँ पर है गोमती रिवर फ्रंट। द नाइट व्यू ऑफ दिस एरिया इज ऑल्सो मेस्मराइजिंग। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने थर्ड ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ, विच इज बड़ा इमामबाड़ा। दूर से ही देखने में लग रहा था कि हम किसी राजमहल के अंदर आने वाले हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस, बिकॉज इसके बारे में काफी लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई थी और मुझे सच में जानना था कि क्या एग्जैक्टली में वैसा ही होता था। एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इज यहाँ पर तांगा भी चलता है, लोग इसमें एक्चुअल में सवारी करके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Although I didn't try this thing, but yeah, I was very amazed with this. लखनऊ में दो इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा और एक बड़ा इमामबाड़ा। हम लोग ये बड़ा इमामबाड़ा घूमने के लिए आए थे। टिकट्स लेने के बाद हम लोगों ने एंटर किए एंड ये कितनी सुंदर जगह लग रही है। इतनी सारी बर्ड्स थी यहाँ पर, कितने सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने जगह जगह से। अंदर एंटर करने के बाद आपको ये प्यारा सा व्यू दिख जाएगा, यहाँ पर आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एंड देन जब हम पहुँचे थे उस टाइम पर हो रही थी काफ़ी ज़्यादा धूप, तो हम लोग काफ़ी परेशान भी हो गए थे इस टाइम पर। एक्चुअल में इसके बारे में जितना सुना था उससे कई ज़्यादा ये सुंदर था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट लोकेशन पर जाना था, उससे पहले हम लोगों ने की थोड़ी सी पेट पूजा, जिसके लिए हम लोग गए थे डोमिनोज। एंड देन वी हैड आर पिज्ज़ा। उसके बाद फैमिली के साथ थोड़ी सी मस्ती की, इंजॉय किया। एंड देन हम सब लोग निकल गए थे फिनिक्स पलाशियो मॉल के लिए। ये होने वाली थी हमारी लास्ट लोकेशन विजिट करने के लिए, क्योंकि वन डे में इतनी सारी चीजें ही आप घूम सकते हो। बाहर से तो ये मॉल कम होटल ज्यादा लग रहा था। और यहाँ पर गुड़गांव में एक M3M मॉल भी है, वो भी बिल्कुल इसी की तरीके से दिखता है। काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है यहाँ पर, जिसके आपने नेम भी नहीं सुना होगा। लखनऊ में बेसिकली दो ही मॉल सबसे ज्यादा फेमस है, एक लूलू मॉल और एक ये पलाशियो मॉल जहाँ हम लोग गए थे। बेसिकली इसमें 3 फ्लोर्स थे और ये सबसे ज्यादा लग्जूरियस मॉल है इंडिया का। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हमें मेन चीज एक्सप्लोर करनी थी, दैट इज फूड कोर्ट। देन वी वेंट टू द फूड कोर्ट एंड वहाँ पे हम लोगों ने पापड़ी चाट से स्टार्टिंग की थी। ये मामी जी क्यूट सा रिएक्शन देते हुए
अंश ने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज जिसमें पेरी पेरी मसाला डाल के खाया था। द फूड वॉज फैंटास्टिक, एम्बियंस वॉज अमेजिंग ऑफ दिस प्लेस। देन फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो एक सजेशन आया कि हम लोग गेम जोन जा सकते हैं। देन सबका प्लान बन गया टाइम जोन जाने का, वहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स थे। उससे पहले हम लोगों ने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, दैट वॉज सिजलर, एंड इसको देखकर तो किसी से रहा ही नहीं गया, थोड़ा थोड़ा सबने ट्राई किया जबकि सब लोग ऑलरेडी फुल हो चुके थे। देन वी एंटर टू दिस टाइम जोन, एंड जनरली ऐसा होता है ना कि बच्चों को देखकर सबका मन करने लग जाता है बच्चा बनने का, तो ये भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। अंदर से फिर व्यू अच्छा नहीं आ रहा था तो बस के ऊपर जाके खड़े हो गए, मुझे तो लग रहा था कि बस गिर ना जाए। अंश ने भी फिर की बहुत सारी मस्ती, वो फिर ये कार चलाने लगा, एंड मामा मामी जी भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। टाइम जोन के कार्ड में हम लोगों ने 1000 रुपीज़ का रिचार्ज करवाया था जिससे हम लोगों ने काफ़ी सारे अमेजिंग गेम्स खेले थे। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम इन लोगों ने खेला था वो था बास्केटबॉल वाला, एंड इसमें देखिए बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर ही डाल दी किसी ने बॉल, उसके बाद हमारा गेम होता है स्टार्ट, वन बाय वन करके सबने अपने अपने बॉल्स डाले। आई गेस सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को इस गेम जोन में ही लगा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ के गेम्स थे, तो एक एक करके सारे गेम्स हम लोगों ने खेल लिए थे। इसमें कुछ टाइम में नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो होता है जो कम्प्लीट करने पर आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर करते हो। उसके बाद मामा मामी जी ने भी खेला, एक एक करके सबने बॉल डाली, फिर मेरा भी मन करने लगा, फिर उसके बाद मैंने भी खेला था। ऐसे अगर आप गेम जोन में चले जाते हो तो उससे बाहर आने का तो मन ही नहीं करता, आप एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस इतने सारे गेम्स होते हैं तो आप बस बैक टू बैक खेलते ही रह जाओगे। टाइम जोन में दोनों लोग खेल सकते हैं, चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स, और यहाँ पे एक बोलिंग वाला गेम था वो हम सब लोगों को खेलना था, बट उसकी वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा थी, सो वी स्किप दैट पार्ट, और जितने भी यहाँ पर गेम्स थे हम लोगों ने वो वाले सारे बस ट्राई किए। ये गेम जोन हमारे फूड कोर्ट के जस्ट सामने वाले एरिया पे ही पड़ता है, आपको टॉप फ्लोर पर, एंड यहाँ पर आके इसके बाद इन लोगों ने ये बाइक रेसिंग की, उसके बाद कार रेसिंग भी की। इसी तरीके से हमने अपना फुल डे एंजॉय किया लखनऊ में, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मज़े किए, मस्ती की, फुल ऑन एंजॉय किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, इसी के साथ आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ओके बाय।